एंड सभी लोगों को क्लियर कर दूं, ना ही मेरा कोई सॉन्ग आ रहा है, ना ही कुछ ऐसा वैसा है। ये जो ब्लैक मिरर का सीन है ना, ये मैं टाइम आने पे रिवील कर दूंगा। बस फिलहाल मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मैं किसी चीज की हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही मेरे को जरूरत है किसी चीज की हाइप क्रिएट करने के लिए। अच्छा खासा दिखा दो कोई। सब 60,000 का लैपटॉप उनको पड़ रहा था 6,000-7,000, बिल्कुल एंड कंडीशन एकदम नहीं। कैसा है? मम्मी से वीडियो कॉल करना? नो नो। और हमने एक बच्चा ले लिया 200 रुपए का। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा तीसरा दिन दिल्ली में। सो सबसे पहले हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। एक तो वहीं से हम कुछ खाएंगे एंड सेकंड चीज वहीं से हम थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉपिंग करेंगे। किस लिए? जो कि हमें इन दिनों लगेगी। घर के लिए अलग से शॉपिंग करेंगे, मतलब निकलने के एक दो दिन पहले। ठीक है, फिलहाल बस घूम रहे, तो घूमने दो हमें। ई रहे फिलहाल इकोन भाई साहब एंड नसीब भाई साहब। ये रहे जी जामिया मस्जिद। चलिए चलो चलो ब्रो। कैसा मजा है बरहान भाई? कसम से अमेजिंग वाला। कैसा है? बस उतने चमो। मम्मी से वीडियो कॉल करना? नो नो, व्लॉग। हां व्लॉग। कैसा है? हसन भाई ये क्या? बिल्कुल सही। अभी हम जा रहे हैं हाजी मोहम्मद हुसैन के पास फ्राइड चिकन खाने। ये 1975 से है यहाँ पे एंड सही में बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेट्स ट्राई। यहाँ पे हो चुका है हमारा पोपट एंड यहाँ पे हमको जगह ही नहीं मिली बैठने की। जी हुसैन के पास अभी हम जाते हैं असलम चिकन। ठीक है देखो। बढ़िया सर। ये इनका मेन्यू देख लो। तो जी अभी हमने ऑर्डर दे चुका है अपने यहाँ के स्पेशल बटर चिकन का। हमने हाफ ही ऑर्डर किया क्योंकि दिन बहुत बड़ा है, तो हम और भी कुछ खा सकते हैं। बाकी भाई साहब लोग खाना है, ऑब्वियसली खाना है भाई। मैं तो प्याज खा रहा हूं। खा तो प्याज। पहुंच गया हमारा यहाँ का स्पेशल बटर चिकन हाफ। कैसा लगा भाव? कौन तो गए बेस भी पूछ लेता मैं। लेट्स ट्राई स्पेशल हलवा एंड ये रहा इनकी जाफरानी खीर। हाँ कैसा है भाई? अगर को छूना तो अच्छा लगता है। बस बेस्ट बोलना कौन सा है? ठीक है इसमें और इसमें से वो कैसा है? वो नॉर्मल अच्छा है ना। खीर इतनी अच्छी थी ना, लेकिन मुझे दी इस टाइम में जामिया मस्जिद गया था पहली बार एंड सही में यार मेरे को बहुत ही अच्छी लगी जामिया मस्जिद एंड यहाँ का हिसाब किताब। सारा असली का चोर बाजार। अब देखते हैं, इस बंदे ने बोला लैपटॉप दिखा दूंगा। चले चले ब्रो, देखते हैं कैसा लैपटॉप दिखाता है। ये देखो टीवी सी क्या पड़ा है यहाँ पे। अच्छा खासा दिखा दो कोई, मतलब जो ना लेटेस्ट भी हो अच्छा चलने में। अच्छा चलो भाई साहब, 60,000 का लैपटॉप उनको पड़ रहा था 6,000-7,000, बिल्कुल एंड कंडीशन एकदम नहीं। बस मुझे डर एक चीज़ लगा, कॉपी है या ओरिजिनल है। एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ मैं, वरना मैं खरीद लेता। कोई
हाँ जी दोस्तों, अभी हम आए हैं पालिका बाजार। सर पालिका बाजार में हमें क्या करना है? सर हमें सस्ती सस्ती चीजें लेनी है। बिल्कुल, जैसे मैंने ये ली एंड ये हमने बैग लिया 110 रुपए का, 130 रुपए का भी, 130। और मैंने ये ली है, ये 60 रुपीस की है, इसकी भी 60 रुपीस, ये भी 60 रुपीस की है। और इसमें है स्वेटर दो, वो भी है 200 की, 200 की। और ये टी शर्ट जहरान भाई की है, उसके बाद और हमने उसकी ट्रिब्यूट पहनी, और हमने एक बच्चा ले लिया 200 रुपए का। ऐसा ही सेम आर्टिकल मैंने भी उठाया एंड एक और ने उठाया शाहिद भाई के लिए। बाकी ये बंदा बस जो रहा है, मुझे घर जाना है। बाजार वालों, सो गाइस रात की शुरुआत करते हैं हम मिक्सड फ्रूट से, क्योंकि सुबह से इकोन का भी एक प्रोजेक्ट था जो कि मैं इसमें मिक्स मास्टरिंग कर रहे थे, एंड मैं भी सोया था, एडिटिंग कर रहा था तब से, ठीक है। सुबह से लेके अभी तक हम बाहर निकले नहीं, एंड नसीब अभी गया है रतन अंकल के यहाँ। रतन अंकल नसीब के अंकल के फ्रेंड, नसीब नसीब के पापा के फ्रेंड, ठीक है। वहाँ पे हमने कपड़े छोड़े थे आप हंसे का घंटे में, नसीब के पापा के फ्रेंड। एनीवेज वो वहाँ पे गए कपड़े, मतलब करेक्ट कर दा, मैंने बोला क्या नसीब के इकोन के पापा के फ्रेंड। अभी वो वहाँ से गए कपड़े लाने, तो हमको चेंज भी करना है बहुत सी जगहों पे, जो रातन अंकल। दोस्तों इसके बाद आपको मैं बोलता हूँ कि क्या हो गया था। फिर पहली बात तो व्लॉग में मैं बीमार था इस वाले व्लॉग में, क्योंकि मेरे आवाज से आपको लग रहा होगा कि मैं जैसे पी के हूँ, लेकिन मैं पी के नहीं था, बस मेरी आवाज बहुत मतलब गला भी खराब हो गया था हमारा, क्योंकि इसके बाद से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मेरी लाइफ में, जिसने मेरी लाइफ 360 चेंज की। एंड ये वाली क्लिप मैं अभी शूट कर रहा हूँ जब मैं घर आया था, लगभग इस वाली क्लिप के 50 दिन बाद, क्योंकि मैंने 50 दिन तक व्लॉग अपलोड नहीं किया था। दैट्स वाई गाइस, एक तो मैं इस टाइम पे बीमार था एंड फिर पालिका बाजार में भी बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि ये सा हकत एक और रचना तीसरा रचना कहीं से। अरे भाई साहब इतना ज्यादा चलता था वो उस टाइम, नसीब भी उसके साथ ही चलता था, लेकिन बुरहान और मेरी हालत पता ही क्या हो गई थी, समोसे की तरह ऐसी, ठीक है। इसलिए फिर उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। एंड सेकंड चीज, मेरा फोन भी डेड हो गया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर अलग व्लॉग स्टार्ट किया, जो कि आप इंशाल्लाह आगे देखोगे, इसके आगे वाले पार्ट में। उसी व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में सबसे मेन प्रॉब्लम्स हुई क्या थी, एंड मेरी लाइफ में मतलब मैं स्टोरीज क्यों चढ़ाता था, यह आपको उसी व्लॉग में पता चल जाएगी। एंड सभी लोगों को क्लियर कर दूं, ना ही मेरा कोई सॉन्ग आ रहा है, ना ही कुछ ऐसा वैसा है। ये जो ब्लैक मिरर का सीन है ना, ये मैं टाइम आने पर रिवील कर दूंगा, बस फिलहाल मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मैं किसी चीज की हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही मेरे को जरूरत है किसी चीज की हाइप क्रिएट करने के लिए, बस जितनी ऑडियंस मेरे पास है मेरे लिए काफी है। आई लव माय ऑडियंस। तो जी बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखता है। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा तो गाइस वेट कर देना नेक्स्ट पार्ट का एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। बाय बाय, अल्लाह। Начути молви на ти устади, начути ти ми їм басахаси, їм ти пуджа чукара раті, вичі магінати май той сідзади, їм вона ганчо, то я каламний, патик я голий кіт баклі баси, то я дімо, поки де та зади, є ляби дімо, то я калам.